Assalamu alaikum, dear student. Today, inshallah, we will discuss our lecture number 30. जैसे कि कल हमने अपना chapter 13 regression and correlation का start लिया था, तो हमने कुछ formulas उसमें देखे थे, ठीक है? तो hope so आपने सारे formulas याद कर लिए होंगे. तो अब one by one question देखते हैं कि किस question में कौन सा formula apply होगा. तो इसको हम देखते हैं, ठीक है जी? और हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है? तो आज उसी क्वेश्चन का एक ज़रा शॉर्टकट आपको मेथड सिखाता हूँ, ठीक है जी? क्वेश्चन हम नया ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, एग्जामिनर ने एक्स गिवन किया वेरिएबल एक और एक वाई वेरिएबल गिवन किया. से एक्स हमारे पास है 10, 12, 15 और 20 और वाई है 2, 3 और 1 और यहाँ पे कर लें 4 है हमारे पास, ठीक है जी? एग्जामिनर ने कहा कि हमें फाइंड कर दो, इसमें से तीन चीज़ें हमें फाइंड कर दो. नंबर वन, हमें रिग्रेशन कोफिशेंट फाइंड कर दो. हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड कर दो. सेकंड में मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर दो. वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर दो, ठीक है? और हमें पता है वाई इंटरसेप्ट कौन होता है, ए वाई ऑन एक्स होता है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन होता है, बी वाई ऑन एक्स होता है हमारे पास. और एट द एंड उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट रिग्रेशन लाइन के रिग्रेशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करो, कौन सी वाली, वाई ऑन एक्स वाली, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं मैन्युअली, जैसे कि हमने कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. सबसे पहले सॉल्व करेंगे रिग्रेशन कोफिशेंट. हमें पता है रिग्रेशन कोफिशेंट हमारा क्या है. रिग्रेशन कोफिशेंट हमारा है बी वाई ऑन एक्स, क्योंकि लाइन वाई ऑन एक्स की है तो रिग्रेशन कोफिशेंट भी वाई ऑन एक्स होगा. फॉर्मूला, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ठीक, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला, ठीक है? तो देखते हैं इस फॉर्मूले के तहत हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आता है. उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए. एक ये कि इस एक्स वाई का समीशन चाहिए, एक्स का समीशन, वाई का समीशन और एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए. तो हम यहाँ पर सारे कॉलम बना लेते हैं. सबसे पहले वन बाय वन, सबसे पहले हम बना लेते हैं ये वाला एक्स वाई, एक्स वाई बना लेते हैं. उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बना लेते हैं. बाकी हमें सारा ऑटोमेटिकली सब मिल जाएगा सारा हमको, ठीक है? ये इसका सम आ जाएगा, ये इसका सम आ जाएगा, ये इसका सम आ जाएगा, ये इसका हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है जी? एक्स और वाई का सम करते हैं. हमारे पास आ गया 10 2 20, 12 3 36, 15 1 15 और 24 80 आ गया हमारे पास, ठीक है? क्लियर. उसके बाद फिर हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करना है. 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100. 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144. 15 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है. 225.
फाइव, और 20 का स्क्वायर हो गया 400। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन सब का सम ले ले वन बाय वन, तो इन सब का सम ले लेते हैं। नंबर वन, समीशन एक्स क्या आ रहा है मेरे पास, 20, 30, 40, 50, 57 आ गया मेरे पास समीशन एक्स का सम। समीशन वाई का सम कितना आ रहा है, 5 और 5, 10, ये 10 आ गया मेरे पास। एक्स वाई का सम कितना आ रहा है, 20 + 36 + 15 + 80, 151, 151। और एक्स स्क्वायर का समीशन 100, 144, 200, 869। ठीक है, सारे सम हमारे पास आ गए। अब इन सारे सम को हम इस फॉर्मूले से पुट कर लेते, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज एन, हमारे पास फोर वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, फोर वैल्यूज है हमारे पास। समीशन एक्स वाई 151, 151, और यहां पे 4 आ गया 151 आ गया। माइनस समीशन एक्स कितना है, 57, समीशन वाई 10, एन 4 है। एक्स स्क्वायर का समीशन कितना है, 869, 869। व्हाट इज समीशन एक्स, 57, तो 57 यहां पर आ गया स्क्वायर। एंड द फाइनल आंसर इज, सारे को वन टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, 4 × 151 − 57 × 10 / 4 × 869 − 57 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.15, मैं इसको राउंड करके लिख रहा हूँ 0.15। तो ये हमारे पास आ गया by1x, got it? हमारे पास आंसर 1 आ गया बोला। आंसर 2 में हमें क्या चाहिए, उसने क्या कि y इंटरसेप्ट चाहिए ay1x। तो ay1x का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद किया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन ऑफ y माइनस बी वाई ऑन एक्स और मीन ऑफ एक्स। व्हाट इज मीन ऑफ वाई, वाई का मीन कितना है, तो समीशन वाई ओवर एन होता है, तो समीशन वाई कितना है, 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास समीशन वाई आ गया 2.5। तो समीशन वाई इज 2.5 माइनस बी कितना है, 0.15। व्हाट इज मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स कितना, 57 समीशन एक्स है, उसको एन से डिवाइड करेंगे तो मीन ऑफ एक्स आ जाएगा 57 / 4, तो मीन ऑफ एक्स आ गया 14.25। तो हमारे पास यहां से ये वाई इंटरसेप्ट आ गया, आंसर इज 0.36। तो मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिख रहा हूँ, यह हमारे पास आ गया ए वाई ऑन एक्स 0.36। तो आप इसको जरा देख लें, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट 1 भी कंप्लीट होगी, रिक्वायरमेंट 2 भी कंप्लीट होगी, एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट रिग्रेशन लाइन, हमें रिग्रेशन लाइन बनानी है। तो आए रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला ये है y ऑन x का, ये रिग्रेशन लाइन होती है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको बताइए a कौन सा है, a y ऑन x है, b y ऑन x वाला, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज a, a कितना है हमारे पास, 0.36, तो a की जगह आ गया y हैट इज इक्वल टू 0.36। बी कितना है, 0.15,
15, तो जी कितना 0.15। एक्स कितना है हमारे पास वो हमें पता नहीं है, इसको एक्स कर दें तो हमारे पास ये वाली लाइन बन गई, दिस इज अवर रिग्रेशन लाइन। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट 4 भी बनाऊं, वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, एग्जामिनर के फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 10। अगर एक्स 10 हो, बताएं वाई की वैल्यू क्या होगी, या फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी अगर हम इस एक्स में 10 पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास था वाई हैट इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.15। इस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, इस एक्स की जगह एग्जामिनर ने कहा कि 10 पुट कर दो, तो इसे हम ना 10 पुट कर दिया। तो देखते हैं व्हाट विल द फाइनल आंसर, 0.36 प्लस 0.15 इंटू 10, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.86। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई, y हैट आया, वो 1.86 आया। ये हमारे पास सारा कंप्लीट आंसर हो गया, जिसमें हमने चार रिक्वायरमेंट को सॉल्व करना सीखा, ठीक है। अब इस सारे मेथड का जरा शॉर्टकट सीखते हैं। अगर एग्जामिनर आपको ये दो कॉलम, ये वाला कॉलम अगर गिवन कर दे एग्जाम में, इस तरह ओरिजिनल डाटा गिवन कर दे, बस ये वाला अगर ओरिजिनल डाटा गिवन कर दे, और इस ओरिजिनल डाटा से आपसे ये कहे कि मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड कर दो, मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर दो, या मुझे रिग्रेशन लाइन बना दो, या इवन के वो ये कह दे कि मुझे वाई को इंटरप्रेट या वाई को एस्टिमेट करके बताओ जबकि एक्स हमारे पास 10 है, तो इस सारे को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप क्विकली सारे आंसर तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले तो आप कैलकुलेटर से कैसे आंसर निकालेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने प्रेस करना है मोड को, आपने मोड को प्रेस कर लिया, मोड को प्रेस करने के बाद आपने तीन नंबर पे स्टैट प्रेस करने है, तो आपने थ्री नंबर पे स्टैट प्रेस कर दी। उसके बाद आपने टू प्रेस करना, टू, और टू पे लिखा होगा ए प्लस बी एक्स, ये लिखा होगा वहां। आपने मोड प्रेस किया, उसके बाद थ्री में स्टेट प्रेस किया, फिर टू पे आपने ए प्लस बी एक्स ये प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने ए प्लस बी एक्स प्रेस किया होगा, आपके पास थ्री कॉलम्स आ गए होंगे, एक कॉलम, इसके बाद तीन कॉलम्स आपके पास आए होंगे, एक एक्स के लिए आया होगा, एक वाई के लिए आया होगा, और एक फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा। इस फ्रीक्वेंसी को बॉदर नहीं करना, इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसको इग्नोर करके जाना है। अब इस एक्स में क्या करना है, वो एक्स वाली वैल्यूज पुट करें, यानी कि एक्स में 10, 12, 15, 20 और वाई में 2, 3, 1, 4, ये जरा कैलकुलेटर पुट करें। तो एक्स में पुट करें 10, 12, 15, 20 और वाई में पुट कर रहे हैं 2, 3, 1, 4, ठीक हो गया।
जैसे ही सारी की सारी वैल्यूज आपने पुट इन कर दी इन कैलकुलेटर, आप क्या करें, एसी का बटन प्रेस कर दें, आप मेन मेन्यू में आ जाएंगे, ऑरेंज कलर वाला। एसी का बटन प्रेस कर दिया, आप मेन मेन्यू में आ गए, ठीक है। तो डाटा सारा का सारा हमारे पास सेव हो गया। अब हमने आंसर फाइंड करना, तो आंसर के लिए क्या करेंगे, फॉर आंसर, आंसर के लिए आपने प्रेस करना है शिफ्ट वन, आपने शिफ्ट प्लस वन करना है, ठीक है। ये वन जो है ये न्यूमेरिक है, जो आपकी कैलकुलेशन वाला जो न्यूमेरिक की है, ये वन वाला नंबर वन, आपने इसका प्रेस करना है, शिफ्ट वन प्रेस करना है। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें वन में टाइप लिखा हुआ है, टू में डाटा लिखा हुआ है, थ्री में सम, फोर में वेरियंस, फाइव में आर ई जी। ये जो फाइव है ना आर ई जी वाला, यही हमें चाहिए, फाइव आर ई जी रिग्रेशन लिखा हुआ है। तो हम फाइव पे गए, तो जैसे फाइव पे गए तो हमारे पास ए बी आर एक्स हैट वाई हैट आ गया, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे जो कंसर्न आंसर है वो ए और बी के हैं। ये जो नंबर वन पर ए लिखा हुआ है, इसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उस डायलॉग बॉक्स में वन में ए है, टू में बी है, थ्री में आर है, फोर एक्स हैट और फाइव वाई हैट। इसको और इसको इग्नोर कर देना फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है। इन तीनों का काम हमारे पास है। ए क्या है, ए वो यहाँ पे इंटरसेप्ट है जिसकी मैं लाइन बना रहा हूँ। अगर मैं वाई ऑन एक्स की लाइन बना रहा हूँ तो ए मेरा वाई ऑन एक्स है, तो ए मेरा क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें ये जो ए है वो यही ये वाला हमारे वाला ये वाला ए है 0.36, तो ए हमारा यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है। और बी क्या हमारी यहाँ पे ये वाला बी रिग्रेशन कोफिशेंट, तो बी यहाँ पे ये रिग्रेशन कोफिशेंट है। ठीक है, अब ए प्रेस करें, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब वन प्रेस करें और वन के बाद इक्वल प्रेस कर दें जरा शिफ्ट, ठीक है। आंसर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इस ए का ही आ रहा है, 0.3656 आ रहा है। तो देखें 0.36 मैच हो रहा है ये वाला आंसर, डायरेक्ट हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। हमारा भी आया था 0.15, फिर इस तरह रिपीट करें, शिफ्ट वन प्रेस करें, फाइव पे रिग्रेशन जाएं, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया होगा। इस बॉक्स पे बी को सिलेक्ट करेंगे तो वो देखें हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक करें। बी प्रेस किया तो 0.149, और अगर मैं राउंड करूंगा तो 0.15, तो देखें डायरेक्ट बी आ गया। अब ए भी कैलकुलेटर ने बता दिया, बी भी कैलकुलेटर ने बता दिया, तो लाइन तो बन गई। हमने जल्दी से ए से हमने जल्दी से लाइन लिखी। अच्छा, उसने पूछा व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, हमने क्या दिया 0.15 कैलकुलेटर से देखकर। उसने कहा वाई इंटरसेप्ट, हमने कहा ये वाला आ गया। उसने कहा रिग्रेशन लाइन बनाओ, हमने रिग्रेशन लाइन लिखी, ए की जगह कैलकुलेटर वाला 0.36, बी का कैलकुलेटर वाला 0.15 आंसर आ गया। फिर फोर्थ में उसने कहा कि एक्स जगह 10 पुट करो, हमने इस एक्स जगह 10 पुट किया और हमारा 1.86 सारा आंसर आ गया। तो आज के बाद अगर कभी भी ओरिजिनल डाटा वो आपको गिवन कर दे और आपसे ये कुछ रिक्वायरमेंट मांगे या रिक्वायर करे, तो कोई आपने बिल्कुल ये कॉलम शॉलम कोई नहीं बनाने, मतलब ये कॉलम भी नहीं बनाना, कोई ये फार्मूला शार्मूला कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाइएगा, वहाँ सारे के सारे आंसर फाइंड करके जल्दी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इन फार्मूले के यूजेज कहाँ आती है ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। सारे फार्मूलाज याद करें, क्योंकि हर फार्मूलाज में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है और कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं, ठीक है। समटाइम वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन देकर हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन देखते हैं और। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बाई वेरिएबल डेटा है। बाई वेरिएबल मीन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। अज्यूम करें कि जो मीन ऑफ एक्स है वो हमारे पास 15 है और मीन ऑफ वाई 45 है, बी एक्स ऑन वाई 1/6 है, बी वाई ऑन एक्स हमारे पास 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो हमारे पास से 10 है। और एग्जामिनर ने आपको कहा कि फाइंड कर दे हमें नंबर वन। उसने कहा कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड कर दें और राइट डाउन टू रिग्रेशन लाइंस, दो रिग्रेशन लाइंस बना दें। राइट डाउन टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइंस बना दें। अब यहां पर बहुत फोकस करना है आपने, जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो राइट डाउन टू। उसने एक रिग्रेशन लाइन नहीं पूछी, दो रिग्रेशन लाइंस पूछी, फाइंड राइट डाउन टू रिग्रेशन लाइन। और दो रिग्रेशन लाइन अगर पूछी है तो ऑब्वियस बात है, एक वाई ऑन एक्स के साथ होगी और एक एक्स ऑन वाई के साथ होगी। तो हमने यहां पर अब दो रिग्रेशन लाइंस बनानी है, ठीक है। जब हम दो रिग्रेशन लाइन बनाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए हमें। जब मैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करने लगूंगा, यानी कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड किया जाएगा तो मैं देखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस फॉर्मूले से आता है। तो हमें पता है वहां पर एक फॉर्मूला होता है कि बी वाई वन एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई व स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि ये स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स फॉर्मूले से आ सकता है, ठीक हो गया, क्लियर। ये स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स एक दूसरे फॉर्मूले से भी आता है, देखिएगा जरा, बी एक्स ऑन वाई वाले फॉर्मूले से भी तो आता है ये स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई, इससे भी आ जाएगा, इससे भी, मतलब जो मर्जी वाला फॉर्मूला आप यूज कर लें आपका आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, बी वाई ऑन एक्स चाहिए, स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए, आर चाहिए, एक दो तीन, ये तीन चीजें चाहिए फिर जाकर स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स आएगा। इसका मतलब मुझे पहले यहां पर आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अज्यूम करें कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम पहले आर फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है आर का इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट सूटेबल फॉर्मूला वो यही है, बी वाई वन एक्स इंटू बी एक्स एन वाई का ज्योमेट्रिक मीन, ये सबसे सूटेबल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं आर निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू व्हाट इज बी वाई वन एक्स, 3 और बी एक्स एन वाई 1/6, तो आंसर ये 3 1s are 3 2s are 1/2, तो स्केयर रूट ऑफ 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.71, यानी कि ये आ जाएगा 0.71। तो आर आ गया मेरे पास, ये आर आ गया 0.71। तो बी वाई एन एक्स क्या मेरे पास, 3, बी वाई एन एक्स 3 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना,
टेन, यहाँ पर टेन आ गया, और फिर यहाँ से हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा जो हमें एक्चुअली फाइंड करना है। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और थ्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.71 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2.37। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि ये वाला आंसर आ गया 2.37। देखते हैं अगर हम इस वाले फॉर्मूले से देखें तो इससे क्या आंसर आएगा। तो व्हाट इज बी एक्स ऑन वाई, बी एक्स ऑन वाई हमारे पास 1/6 ही आएगा। 1/6 इज इक्वल टू आर कितना है, आर 0.71। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दैट इज 10। ठीक है, तो और यहां सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.7 इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया यहां से हमारे पास 2.35। ये 2.37 या 2.35 है, दोनों आंसर ठीक है। एग्जामिनर ने करीब करीब आंसर रखा होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ए में ये आ रहा और ऑप्शन बी में ये आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आपका आंसर फॉर इंस्टेंस एमसीक्यूज में आंसर पड़ा हुआ 2.37 और आपका आंसर आपने इसे कैलकुलेट किया 2.35, तो आपने नियरेस्ट आंसर 2.37 पर मूव कर लेना। ठीक है, या हो सकता है कि एग्जामिनर ने आंसर 2.35 रखा हो, आपका आंसर 2.37 आना है, अपने बैग पर नियरेस्ट पर आंसर मार्क कर देना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों ही आंसर ऑप्शंस में गिवन हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आ गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, तो मर्जी है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आप बी वाई ऑन एक्स के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप बी एक्स ऑन वाई के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको एग्जाम में जो याद आ जाए। आप सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, राइट डाउन टू रिग्रेशन लाइंस। उसने कहा दो रिग्रेशन लाइंस बना दो, हमने कभी बना देते हैं। दो रिग्रेशन लाइन कौन सी है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक ये रिग्रेशन लाइन, और एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक ये रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन में आपको पता हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, वो ए और बी होता है जिसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, अच्छा फॉर्चुनेटली हमारे पास बी बना बनाया आ गया, यानी कि बी वाई ऑन एक्स बी है, बी एक्स बी की टेंशन नहीं है हमें, हमें ये ए चाहिए, हमें ये ए चाहिए। तो हम ए फाइंड कर लेते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए, फिर हम लाइन बना लेते हैं। तो ए फाइंड करेंगे, ए वाई ऑन एक्स मीन ऑफ वाई माइनस बी वाई ऑन एक्स और मीन ऑफ एक्स। वाट इज मीन ऑफ वाई, देखिए मीन ऑफ वाई बना बनाया 45, तो मीन ऑफ वाई 45 आ गया। बी वाई ऑन एक्स कितना है, 3। मीन ऑफ मीन कितना है, 15। ए तो हमारे पास ये लगता है यहाँ पे 0 आ गया, ए तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ए वाई ऑन एक्स है ही नहीं, कोई इंटरसेप्ट नहीं, ए वाई ऑन एक्स तो 0 आ गया। अब यहां से देखते हैं कि ए एक्स ऑन वाई क्या आता है, मीन ऑफ एक्स माइनस बी एक्स ऑन वाई और मीन ऑफ वाई। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे हमें चाहिए मीन ऑफ एक्स, तो मीन ऑफ एक्स हमारे पास 15 आ गया। बी एक्स ऑन वाई कितना है, बी एक्स ऑन वाई किधर गया, 1/6, 1/6। मीन ऑफ वाई कितना है वहां पर, वो 45। सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 7.5, ये हमारे पास आ गया ए एक्स और वाई। अब हम अपनी लाइन बना लेते हैं, लाइन हमारी है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई है तो ये आ गया, व्हाट इज ए, ए 0 है, तो ए यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। बी कितना है हमारे पास,
वाई ओन एक्स वाला, वाई ओन एक्स का बी है हमारे पास 3, तो 3x, तो y हैट इज इक्वल टू 3x, ये हमारे पर रिग्रेशन लाइन वाई ओन एक्स आ गई। और यहाँ पर रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, यहाँ से x हैट आ जाएगा, a कितना है 7.5 प्लस b कितना है एक्स ऑन वाई का 1/6, तो 1/6 यहाँ से y आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस आ गई जो हमने आंसर फाइंड करना था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये आंसर फाइंड करना है, ठीक है, गॉट इट। अब देखें बस ये फार्मूलाज ही हैं, फार्मूलाज हमें आना चाहिए, बाकी देखें हर बार मैं यही रिग्रेशन लाइंस बना रहा हूँ। अब ये दो रिग्रेशन लाइन है, हम जहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करें एट द एंड जब भी रिग्रेशन लाइन हमें बनानी होगी हम यहाँ पर आकर रुक जाया करेंगे, ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ज़रा देख लेना ज़रा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसको 4 क्वेश्चन का नाम दे दें अगर देना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, हमने क्वेश्चन हमारे ये है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एज फॉलोज। हमारे पास कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन है, इनकम को हमने एक्स कह दिया, एक्सपेंडिचर को हमने वाई कह दिया, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे कर लें एक्सपेंडिचर ऑफ 10 families, हमारे पास 10 families का इनकम और एक्सपेंडिचर की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन कुछ ये है कि हमारे पास समीशन एक्स जो है समीशन एक्स जो है हमारे पास समीशन एक्स जो हमारे पास है वो है फॉर इंस्टेंस 100, समीशन एक्स 100 आ गया, और समीशन वाई हमारे पास अज्यूम कर रहे हैं आ गया 54, और समीशन एक्स वाई आ गया हमारे पास, समीशन एक्स वाई वो हमारे पास आ गया तकरीबन 1200, ठीक है, और समीशन एक्स स्क्वायर आ गया
वो हमारे पास तकरीबन आ गया 11,000 और सबमिशन वाइज केयर आ गया 700 कर लेते। ठीक, और रिक्वायरमेंट क्या एग्जामिनर की? एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन, फाइंड द रिग्रेशन लाइन, मुझे रिग्रेशन लाइन फाइंड कर दो, कौन सी वाली? y1x वाली, मुझे y1x की रिग्रेशन लाइन फाइंड कर दो। तो हमने कहा ठीक है, रिग्रेशन लाइन फाइंड कर देते हैं। और साथ में इसने एक और भी एक हमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे साथ साथ ना कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन भी बता दो। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बता दो। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ओरिजिनल डाटा गिवन नहीं है, इसका मतलब उसने ओरिजिनल डाटा से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमें गिवन कर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज आते होंगे तो क्वेश्चन आगे चल पाएगा, वरना क्वेश्चन यहीं पे ही रुक जाना। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। वीडियो को पॉज करें, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इसका आंसर आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। होप सो यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसने कहा फाइंड द रिग्रेशन लाइन y1x। तो जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले मैं वो रिग्रेशन लाइन अपने सामने लिख लेता हूँ। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हमें पता चल जाना चाहिए कि लाइन y1x है तो ए भी y1x का आएगा, बी भी y1x का आएगा। अब बार बार ये वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए और बी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वहां से सबसे पहले मैं बी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ए फाइंड कर लेते हैं। तो बी वाई ऑन एक्स, फॉर्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज एन, एन कितना है मेरे पास, दैट इज द 10 वैल्यूज, एंड 10 है हमारे पास, वहां पर 10 आ गया। व्हाट इज समीशन एक्स, समीशन एक्स इज 100। व्हाट इज सॉरी एन समीशन एक्स वाई है, ये एन समीशन एक्स वाई होता है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन, तो समीशन एक्स वाई कितना है, 1200। तो यहां पर आ गया हमारे पास 1200, 1200 आ गया। व्हाट इज समीशन एक्स, समीशन एक्स इज 100। व्हाट इज समीशन वाई, समीशन वाई इज 54। एन कितना है मेरे पास, यहाँ पे 10। एक्स स्क्वायर का समीशन कितना है, 11,000, यहाँ पर आ गया 11,000, 11,000। माइनस समीशन एक्स कितना है, 100, 100 का स्क्वायर आ गया, हंड्रेड का स्केयर आ गया। इस सब को हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास आंसर आया। टेन मल्टीप्लाई बाय 1200 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय
माइनस हंड्रेड का स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.066, 0.066 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बी आ गया हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए के लिए फॉर्मूला वाई हैट माइनस बी एक्स बार, व्हाट इज वाई बार, व्हाट इज वाई बार, वाई बार कैसे आ जाएगा, ये जो वाई बार है आपको पता है समीशन वाई ओवर एन से आना है, तो व्हाट इज समीशन वाई, समीशन वाई आपके पास 54 है, व्हाट इज एन 10 है, आंसर इज 5.4, तो मीन ऑफ वाई कितना आ गया 5.4 आ गया। ठीक है, माइनस बी वाई माइनस कितना है अभी फाइंड किया 0.066, ये मीन ऑफ एक्स कैसे आएगा, समीशन एक्स ओवर एन से, व्हाट इज समीशन एक्स 100, 10 से डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 10 आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास फाइनल सारा माइनस 0.0। आंसर आ गया 4.74, 4.74, तो 4.74 ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इस आंसर को उसी को इनपुट करते हैं, हमारे पास लाइन आ गई रिग्रेशन लाइन, तो वाई हैट इज इक्वल टू ए कितना है 4.74, 4.74 प्लस 0.066 एक्स, ये हमारे पास रिग्रेशन। व्हाट, और अब हमें क्या चाहिए, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, और आपको पता है कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये तो आर होता है, और हमारा पार्ट टू रह गया कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, अच्छा यहां पे कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है बी वाई वन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स एन वाई, क्योंकि आप ऑलरेडी बी वाई एन एक्स कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि आपके पास 0.066 ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आपको सिर्फ बी एक्स एन वाई कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये आर का अपना इटसेल्फ फॉर्मूला, वो जो लेंथी सा फॉर्मूला है एक आर का, आप वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूले की ये वाली बात कर रहा हूँ, मैं जो फॉर्मूला कह रहा हूँ आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, इसका एन समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वेयर, और फिर एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई होल स्क्वेयर, इस फॉर्मूले की बात कर, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें डायरेक्ट आर आ जाएगा, या बी वाई एन एक्स फाइंड कर लिया, बी एक्स वाई फाइंड कर लें, वहां से आर आ जाएगा, आप जो मर्जी फॉर्मूला यहाँ से यूज कर लें। तो लेट्स ट्राई, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू बी वाई एन एक्स कितना है वो फाइंड के बाद 0.066, 0.066, अब क्या चाहिए बी एक्स वाई, बी एक्स वाई को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, बी एक्स वाई का फॉर्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, वाई बैंड, और ये लाइन याद रखिएगा एन समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर, एन 10 है, समीशन एक्स वाई 1200, समीशन एक्स 100, समीशन वाई 54, एन 10, वाई स्केयर का समीशन क्या है हमारे पास, वाई वो 700 है, 700, समीशन वाई कितना है हमारे पास 54, यहाँ पर आ जाएगा 54 का स्केयर, सबको सॉल्व करते हैं देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास।
आंसर आया 1.62 कर लेते हैं इसको राउंड 1.62 1.62 ये आ गया, इसको यहाँ पे पुट करें वन बी एक्स वन वाई कितना आ गया 1.62, तो 1.62 आ गया और फाइनल आंसर जो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 666 मल्टीप्ल बाय 1.62 आंसर इज आ गया आर का 0.327। ये हमारे पास कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन इस तरह हम सॉल्व कर सकते। और अगर आप कहें कि आपने डायरेक्ट आर इस फॉर्मूले से यूज करना है कैलकुलेट करना है तो कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एन हमारे पास 10 है, समीशन एक्स वाई 1200, समीशन एक्स कितना है 100, समीशन वाई 54। ये वाला सारा वो पोर्शन बड़ा हुआ नीचे वाला एन समीशन एक्स वाई 10 11000 माइनस 100 का स्केयर, और ये वाला हिस्सा ये बड़ा हुआ 10700 माइनस 54 का स्केयर, और देखिएगा आंसर इंशाल्लाह इस जैसा ही आएगा, ठीक है यही आएगा। तो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लें और इसको सॉल्व करते हैं। हाँ एक चीज तो रह गई हमारे पास, दैट इज अवर स्केयर रूट। ये स्केयर रूट तो रहना बाकी रह गया, सबका स्केयर रूट भी लेना है, ठीक है इसका सबका स्केयर रूट भी लेना। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1200 माइनस 5400 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, सेवन थाउजेंड माइनस 54 का स्केयर, स्केयर क्लोज, आंसर इज एग्जैक्ट सेम आंसर है, 100% सेम आंसर आया 0.32658 आया ये आंसर, ओरिजिनल आंसर ये मैंने लिखा है। इसको भी 3 decimal प्लेस पे लिखा है, इसको भी अगर मैं 3 decimal प्लेस पे लिखूं तो 0.32 और ये राउंड होके 58, ये राउंड होके 67 पे चल जाओ। तो देखें एग्जैक्ट आंसर सेम आया, तो ये आपकी कुछ चॉइस हुआ करेगी इस तरह के क्वेश्चन में कि आप इस वाले फार्मूले से जाना चाहते हैं या डायरेक्टली एक फर्स्ट टाइम ये वाला फार्मूला ही यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है रिग्रेशन के। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है, आपने इन्हीं क्वेश्चन की बेहतरीन से प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कोरिलेशन के होंगे, कुछ रिग्रेशन के मिक्स होंगे, कुछ लाइंस के होंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।